अवध बिहारी सिंह इंटर महाविद्यालय में इन दिनों पदोन्नति व नियोजन को लेकर एक जंग सा छिड़ गया है। जंग ऐसी कि जो शिक्षक बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, वही शिक्षक खुलेआम कॉलेज के प्राचार्य को नंगा कर पीटने की धमकी दे रहे हैं। ये बोल किसी और के नहीं बल्कि कॉलेज की एक महिला कर्मचारी काजल किरण का बताया जा रहा है, जो उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार सिंह की पत्नी है। पूर्व राज्यपाल सह कॉलेज के महामहिम निखिल कुमार सिंह काजल किरण के लिए सभी नियमों को ताक पर रखकर उनके हित में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि काजल किरण महामहिम से डायरेक्ट है। इतना ही नहीं, काजल किरण आग है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि अवध बिहारी सिंह डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार सिंह कह रहे हैं। यकीन नहीं होता तो खुद ही सुन लीजिए। और निखिल कुमार से डायरेक्ट बात की है, कहे कि काजल तुम आज तक राघवेंद्र मुझसे नहीं कहा, तुम्हारा नहीं होगा तो पिछला होगा, हमारे लिए सारे नियम को मैं तोड़ दूंगा। राघवेंद्र के लिए कुछ भी कुछ कर सकता तो कहां कर और काजल किरण डायरेक्ट है निखिल कुमार से। ओ भगवान, हम लेकिन काजल किरण को बताया हूँ तो सुन लीजिए, वो आग है, वो हम उसको कंट्रोल किए रहते हैं। इतना ही नहीं, अवध बिहारी सिंह इंटर महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य रत्नेश कुमार सिंह पर 2 से 3 हजार रुपए घूस लेने का आरोप भी लगा है, जिस पर प्राचार्य ने ये कहा कि जहां जाना है जाइए कह दीजिए। दरअसल यह पूरा मामला तब तूल पकड़ लिया जब प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार सिंह की पत्नी काजल किरण को लैब टेक्नीशियन के रूप में अवध बिहारी सिंह इंटर महाविद्यालय में स्वीकार नहीं किया गया। इस कारण आक्रोशित प्रोफेसर और उनकी धर्मपत्नी ने प्राचार्य के नंबर पर कॉल कर गाली गलौज करते हुए कॉलेज के दूसरे प्रोफेसर बैद्यनाथ सिंह को भी जान से मारने की धमकी दे डाली। इस दौरान काजल किरण ने प्राचार्य रत्नेश कुमार सिंह पर घुसखोरी का आरोप लगाते हुए उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा कर दिया, साथ ही उनके काले कारनामों का चिट्ठा गाली गलौज के साथ खोल कर रख दिया। पत्नी के समर्थन में उतरे गुस्से में लाल हुए प्रोफेसर साहब ने भी प्राचार्य को कॉल कर महामहिम निखिल बाबू से काजल किरण के डायरेक्ट लिंक होने की बात कहते हुए गजब का दबाव बनाते दिखे। दूसरी ओर प्रोफेसर साहब की ओर से जान से मारने की मिली धमकी के बाद पीड़ित डरे सहमे प्रोफेसर बैद्यनाथ सिंह लालगंज थाने की चौखट पर जा पहुंचे। लगे हाथ प्रोफेसर राघवेंद्र के खिलाफ शिकायत करते हुए पुलिस से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। एक तरफ इस घटना के बाद से पूरा कॉलेज और वहां का स्टाफ खुद को शर्मसार महसूस कर रहा है, तो वहीं अब मामले को कैसे निपटाया जाए इसको लेकर भी दाव पेच शुरू हो गया है। इन सब के बीच कॉलेज के प्राचार्य रत्नेश कुमार सिंह ने प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार सिंह और उनकी धर्म पत्नी द्वारा फोन पर हुए गाली गलौज का ऑडियो काफी तेजी से वायरल कर लोगों को अपने समर्थन में जुटा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आप खुद ही सुन लें एक महिला कर्मचारी और उसके पति के तीखे बोल। हेलो मारेगी इसको काले के। कान छोटा सुन लो बाबू, ज्यादा तो नहीं, तुमको प्रिंसिपल कैसे, तू प्रिंसिपल बनने के लायक हो? तुम सारे तुम्हारे कितने स्टाफ है जो बीएड पास, बीएड पे जो तुमको लाख रुपए खाना होगा मेरे से। जब निकल के बात से मैंने बात करी है, तू किस खेत का मूल्य है? हम नहीं रोके हैं, बीएड पास 19 में निकला है। अच्छा आप ही मालिक है? निखिल कुमार बाबू मालिक न है, तुम कॉलेज के मालिक आप ही है? तुम कौन होता है रे? अरे तो मालिक आप ही है कॉलेज का? अच्छा ठीक है, छोड़ा दीजिए, आते हैं हम, छोड़ा दीजिए, आते हैं। कहिया है, बोलिए कहिया है? अरे जवान समार के बात कीजिए, कह देते हैं। हाँ तो जाइए ना, कहिए ना भैया, मना किए हैं किसी को? अच्छा ठीक है, देखो तुम क्या मजा होता है, तो पर प्रिंसिपल बने है ना? प्रिंसिपल कौन नहीं है का? अरे सब चूतिया, तू प्रिंसिपल के लायक है? कैसे प्रिंसिपल है? कुछ नहीं है, कैसे है?
कानून मैं सिखाती हूँ तुमको, नियम कानून का आदर किया सिखाएगी तुमको, पैसा बिकने वाला बिका हुआ आदमी कमीना करता। चाचा सुन लीजिए, मैं आप कल बनारस जा रहे हैं चाचा, आपको बात हुआ आपको पापा हमको और निखिल कुमार से डायरेक्ट बात की है, कहे कि काजल तुम आज तक राजविंदर मुझसे नहीं कहा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, तुम्हारे लिए सारे नियम को मैं तोड़ दूंगा। वो कही थी कि भारी मुझे SNS में रखना चाहती है, तो हम प्रक्रिया बंद कर दिए कुछ हो। सुनिए रत्नेश जी एक बात सुन लीजिए, आप जो बोल रहे हैं बात सुन लीजिए, मालिक वही ना है रत्नेश बाबू, सुन लीजिए बोलिए। कोठी के लिए में मैंने सुवास काम किया है, कहाँ और राघवेंद्र के लिए कुछ भी कोठी कर सकता, तो कहाँ हम और काजल किरण डायरेक्ट है निखिल कुमार से, तो भगवान हम। लेकिन आप लोग जो दाव पेच कर रहे हैं, मैं आपको कभी कहा हूँ कि बेटी का नहीं होगा, तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम आपको तो कहें कि आपके साथ हमारा बेटी को हो जाएगा, उसमें जो नियम है सब पूछा गया। नियम किए नियम है कि 2011 के 12 के बाद बीए है ना, 19 में आया, 19 में नियम आया है ना बीए, लेकिन इसका तो प्रमोशन का केस है, तो प्रमोशन जो होगा यूनिवर्सिटी के जो रूल रेगुलेशन से चलता है डिग्री, ये उच्च माध्यमिक बोर्ड है, पहले सुनिए, बोर्ड यूनिवर्सिटी पहले सुन लीजिए। जब 2006 में इंटर डिग्री अलग हुआ था, ये एक एक लैब काजल किरण भी इंटर में आई थी और बलिंदर राय भी आया था, तो बलिंदर राय को किया गया इंटर में, काजल किरण को क्यों नहीं किया गया, तो हमें ही मालिक है। नहीं नहीं एक मिनट, काजल किरण भी इंटर में लैब में है, तो उसी आधार पर प्रमोशन कीजिए। काजल किरण लैब में है, कहाँ लैब है, हमारा यहाँ तो लैब में है ही नहीं, आपको लैब में किया गया था, सुनो ना रघुवंश किया ना, नहीं वो बात नहीं सुनिए, शशि एक मिनट, शशि बाबू लैब में किए थे, चाचा सुन लीजिए कि सरकार पद पर जो रिकमेंडेशन डिग्री में जितने लैब में थे वो सब इंटर में हम ही करवाए। अच्छा, इसमें काजल किरण भी आई थी लैब में, काजल किरण भी आई थी, रघुवंश कहे थे कि इंटर में लैब में होगा तो मैं करूँगा, तो बलिंदर राय पैसा वैसा कुछ दिया तो उसको कर दिया। आज जान लीजिए ना कहते हैं बलिंदर राय के चाहे किसी को अनुदान नहीं मिलता है, उन्हीं कहे कि लैब का सेंसन नहीं हमारे यहाँ, उसको अब सेंसन है, आप कहाँ से आए, आपकी बाहरी डिग्री है तो ना हुआ। ओह तब वही ना कहे कि जो जहाँ अनुदान लिया चाहे पेमेंट लिया थर्ड क्लास एम में पास है। ओ हाँ भाई हम कहाँ आप थर्ड क्लास है। हाँ भाई हम कह मैं काजल किरण को बताया हूँ। ओह सुन लीजिए वो आग है वो हम उसको कंट्रोल किए रहते हैं। अरे भाई मालिक से तुरा संपर्क मिलो तो मालिक के आदेश है ना भाई, अभी बंद हो गई प्रक्रिया। तो आप लिख रहे हैं कि बीएल नहीं है, तो जो ये पूछे हैं नियम तो उसी को ना लिखेंगे। नहीं चाचा बीएल आप लोग अगर दोनों आदमी चाहते हैं कि सहदेवा के बेटा को करना है तो सहदेवा के बेटा का कभी नहीं होगा, आप कभी नहीं करेगा, अजब ही साहब है वो तो फालतू नहीं करते, आप बेकार सहदेवा जब जरूर करते हैं माधव तो सदुआ को मार के बर्बाद कर दूंगा, आपके यहाँ टपेगा नहीं कॉलेज में। कहाँ सदुआ के बेटा की क्या करी थी, क्या करी थी सदुआ, तो फिर ये बीएड की बात कहाँ से, आपने एबीएस कोर्ट में कितने बीएड है। अरे जो नियम है उस हम तो जानते हैं कि बीएड है आपके पति नहीं, आपके एबीएस कॉलेज में सुनिए प्लस टू में नहीं ना 19 में आया है भाई, 19 में नियम आया है, तो जो भी 19 में नियम आया है अगर प्लस टू में जो भी टीचर है सबको बीएड करना है नहीं तो अनुदान वंचित होगा। हाँ तो 19 के पहले जो बहाली है ना उसको नहीं किया, तो इसको 19 के पहले बहाली की बात है, इसको प्रमोशन की बात है, तो प्रमोशन की बात है तो डिपार्टमेंट संभालिए ना भाई, आप इंटर नहीं नहीं ये आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, अरे आप बता दीजिए अगर हम चलेंगे साहिर लिख के आपको देंगे। हाँ भाई चलिए ना उसमें कहाँ लगे हैं साहिर लिख के देंगे, कहे ना हम को उसके लिए प्रताखिल कर रहे हैं, काजल किरण के बात पर कभी नहीं करेंगे। अरे भाई हम कहा आप लोग नहीं कीजिए, अच्छा बात ना है हम आप लोग कमीशन लैब वो बात सारा चीज में खा रहे हैं, सारा का प्रूफ है मेरे पास, कहे ना हम तो सारा उजागर कर दूंगा, कहो ना तो हम कहा कहीं का नहीं रहिएगा। ओ हम 3000 रुपया मांगे हैं हम बिना मतलब के बात नहीं सुनेंगे। ऑडियो के बारे में कि दबाव देना चाहते थे हम विधि सम्मत महामहिम के महाविद्यालय में विधि सम्मत कार्य हो इसके लिए हम उनको कहते थे और इसी पर वे अपना जो मन है सो बकते थे, वो आपको ऑडियो से साक्ष्य मिलेगा। इतना खुद ही उनके चरित्र के बारे में और उनके संस्कृति और सभ्यता के बारे में अंदाज लगा सकते हैं
कि किस भाषा में और किस लायक है। अभी नियुक्ति के लिए जगह की हम छानबीन करेंगे, कौन पोस्ट कितना है नहीं है, अभी सब कुछ नहीं हुआ है। मर्यादा में रहकर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, हाँ ये सब एक समझिए कि क्या कहिएगा, पागलपन है। क्या मामला है कॉलेज में, धमकी दिया जा रहा है प्रिंसिपल को, वो भी एक महिला के द्वारा। कौन महिला है, क्या है, कुछ आप लोग को जानकारी हो पाई कि नहीं अभी तक, और इस क्या इस विषय पर क्या कर रहे हैं आप लोग क्योंकि प्रिंसिपल के साथ? तो वायरल है पूरा वकीली मामला, वायरल है। हम लोग भी तो सोशल मीडिया के से देखे इसको, कॉल होके नेक्स्ट डे। राघवेंद्र हैं डिग्री में सोशोलॉजी में, उनकी वाइफ है काजल, काजल किरण, तो वो भी है लैब टेक्नीशियन में, डिग्री में ही पोस्ट है, उसी के द्वारा है। तो वीडियो में है ही सब दिख रहा है सब, ऑडियो में। तो फिर आगे क्या आप लोग का स्टैंड होगा इस मामले में? देखिए स्टैंड हम लोग का क्या होगा, जितना शर्मनाक कार्य ये हुआ घिनौना का, आखिर इंटर का प्रिंसिपल सम्मानित पद है, उसको निखिले बाबू ने बैठा है या कमिटी बैठाई है, बिना उनकी अनुमति के तो रत्नू सिंह बैठे नहीं है। रत्नू बाबू एज ए प्रिंसिपल बिना उनके आदेश से तो बैठे नहीं है, चाहे सहमति पर, और उस लायक होंगे तभी बैठे होंगे। तो इस ढंग की बात करना, फोन करके माने जाति करना, जबरदस्ती बहाली के लिए इतना दबाव बनाना, ये न्यायोचित बात नहीं है। यहाँ का समाज बहुत इसको गलत नज़र से देख रहा है, गलत दृष्टिकोण से देख रहा है भाई। ये कार्य कॉलेज की प्रतिष्ठा का विषय अब बन गया है ये, क्या आप लोग भी इस मुद्दे पर महामहिम से बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, और कॉलेज की प्रतिष्ठा को तो अपना तो प्रतिष्ठा लिया ही, लेकिन वो कॉलेज का लिया, साथ में निखिल बाबू जैसे शख्स का नाम घसीटना कि निखिल बाबू जो है माने का आदेश है, और निखिल बाबू जो है इसके लिए नियम को ताक पर रख के कर देंगे। निखिल बाबू नियम ताक पर रख के कोई काम करने वाले नहीं हैं, तो उनको हर कोई जानता है। हम तो जब से बचपन से, जब से हमको होश है तब से मैं निखिल बाबू को जानता हूँ, बचपने से लगाव है, कोई आज से नहीं लगाव नहीं। तो हम उनके वो जितना करीब से मैं जानता हूँ। निखिल बाबू से आप मिलेंगे इस विषय पर? बिल्कुल मिलेंगे, दो दिन नहीं थे बीच में, जब घटना हुई समय वो बनारस थे, वह आ गए हैं एक दो दिन में, कल या परसों जरूर जाएंगे मिलने, हमें इस मैटर पर मिले, बहुत गंभीर बात। बहरहाल अब देखना ये लाजमी होगा कि इस मामले का निपटारा कैसे होता है, महामहिम निखिल बाबू खुद पहल करेंगे या पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी।